ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वप्नं भवति अस्य विभक्ति अवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र। स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जागृत कालीन नाना विध वासना भी कर्त्रादि भावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। धीमात्रिकोपाधिरशेष साक्षी न लिप्यते तत्कृत कर्मलेश ही। यस्मात् असंगः तत एव कर्मभिः न लिप्यते किञ्चिद् उपाधिना कृतैः। दो मंत्र इकट्ठे हैं और दोनों ही काफी बड़े मंत्र हैं, तो पहले हम इसका अर्थ एक बार ध्यान में ले लें। स्वप्नो भवति यस्य विभक्ति अवस्था। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है जहां यह स्वयं ही बचा हुआ प्रकाशित होता है। स्वप्न में जहां वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा शुद्ध चेतन ही अलग अलग पदार्थों के रूप में भासता है। बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार के वासनाओं से कर्तादि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है ऐसा वह सर्व साक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह असंग है। अतः उपाधि कृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। अर्थ फिर समझ लीजिए। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है जहां यह स्वयं ही बचा हुआ प्रकाशित होता है। स्वप्न में जहां स्वयं प्रकाश परमात्मा शुद्ध चेतन ही अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है। बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है ऐसा वह सर्व साक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह असंग है। अतः उपाधि कृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक शुरू हो गया था पिछले दो और मंत्रों से। दो मंत्रों से शुरू हो गया था और इसका नाम रखा सूक्ष्म शरीर। तो हमने संक्षेप में देखा कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। सूक्ष्म शरीर
इसके बारे में आपको बताया गया था, आठ प्रकार के जो पुरी थी जिनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की अनादिकाल की उपाधि है। ये दो बातें आप समझ लीजिए पहले। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की अनादिकाल की उपाधि है और इसका निर्माण आठ प्रकार के अंगों के द्वारा किया गया था जिनको आठ पुरी नाम दिया गया था। प्रश्न यह उठता है कि हम शरीर सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, ये सूक्ष्म शरीर है इसका प्रमाण क्या? आप वेदांत के साधक हैं, श्रद्धावान हैं, स्टडी किया आपने, तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं। आप कहते ठीक है, सूक्ष्म शरीर की बात करते तो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन क्यों कहें, इसका सबूत क्या है? सटल बॉडी, ये जो स्थूल शरीर है, इसके होने में किसी को संदेह नहीं है, सब कोई मानता है स्थूल शरीर है। लेकिन जब आप सूक्ष्म शरीर की बात करते हो, सूक्ष्म शरीर की बात करते हो तो सूक्ष्म शरीर है इसका सबूत क्या है? और बिना सबूत के आप यूं ही बोल के चले जाओ, या एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता। इसलिए आपको बताना होगा ये सूक्ष्म शरीर है तो इसका सबूत क्या है, किसी ने देखा नहीं। तब इसके स्वरूप के लिए आपको बताना पड़ा स्वप्नो भवती यस्य विभक्ति अवस्था। ये जो आपने मंत्र पढ़े हैं दो, इस मंत्र में बहुत से अलग अलग एक एक पद है और उनमें बहुत सारा मतलब भरा हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सब क्लियर करूं। ये शरीर है इसके लिए सबूत कहां मिलेगा आपको? जागृत में सबूत नहीं मिलेगा। इस स्टेट में आपको कोई, आप किसी को सबूत साबित करो कि देखो ये सूक्ष्म शरीर है, आप किसी को समझाने की कोशिश करो, दूसरा समझ ले, श्रद्धावान है, अलग बात है। लेकिन स्थूल शरीर के द्वारा, इस स्थूल शरीर में, जागृत स्थान में, आप सूक्ष्म शरीर को नहीं बता सकते। इसलिए यदि सूक्ष्म शरीर समझना है तो शंकराचार्य कहते हैं आपको समझना पड़ेगा स्वप्न की स्थिति को, स्वप्नो भवती यस्य विभक्ति अवस्था। आप स्वप्न में जाइए, स्वप्न में विचार करिए। जागृत अवस्था में दोनों शरीर काम करते हैं, वेकिंग स्टेट में अभी सूक्ष्म शरीर भी काम करता है और स्थूल शरीर भी काम करता है, लेकिन हम किसको समझते हैं? केवल स्थूल शरीर को देखते हैं, स्थूल शरीर काम करता है, तो सूक्ष्म शरीर की कोई अनुभूति नहीं है। लेकिन इस अवस्था में, जागृत स्थिति में, दोनों प्रकार के शरीर काम करते हैं, स्थूल शरीर भी काम करता है और जागृत सूक्ष्म शरीर भी काम करता है। लेकिन स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न की अवस्था में क्या होता है? अब तीसरी जो अवस्था सुषुप्ति है, सुषुप्ति में कोई शरीर काम नहीं करता। सुषुप्ति काले सकले विलीने, जब सुषुप्ति की स्थिति होती है तो न वहां पर जाग स्थूल शरीर होता है, न वहां पर सूक्ष्म शरीर होता है, कोई शरीर काम नहीं करता। तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर भी काम करता है, सूक्ष्म शरीर भी काम करता है, लेकिन स्थूल शरीर की प्रधानता मानी जाती है और सूक्ष्म शरीर
समझ में आता नहीं, लेकिन काम करता है। सुषुप्ति की अवस्था में कोई शरीर काम नहीं करता, न स्थूल काम करता है न सूक्ष्म शरीर काम करता है। तो जो बीच की अवस्था स्वप्न अवस्था है, उस स्वप्न अवस्था के ऊपर विचार करो, स्वप्नो भवति यस्य विभक्ति अवस्था। तो शंकराचार्य जी कहते हैं आपको यदि सूक्ष्म शरीर के बारे में समझना है, इसका सबूत चाहिए, इसका प्रमाण चाहिए, तो आप इस अवस्था पर विचार करो जिसका नाम है स्वप्न अवस्था। उस स्वप्न अवस्था में देखोगे तब ये शरीर के सारे प्रमाण मिल जाएंगे। उस समय में इसकी स्थिति होती है। तो स्वप्न काल में एकमात्र ये शरीर रहता है, इसकी स्थिति है, ये इसका घर है जहां पर वो ठीक से काम करता है। इस अवस्था में स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धि स्वमेव। अब स्वप्न में होता क्या है, स्वप्न में होता क्या है, उस समय में स्थूल शरीर नहीं रहता है। स्थूल शरीर अपने काम बिस्तरे में पड़ा सो रहा है, उसका डाइजेशन जो भी है, डाइजेशन चलता है, ब्रीदिंग चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन इन सब का आपके जो स्वप्न के पदार्थ है, स्वप्न का एक्सपीरियंस, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जागृत स्थूल जो शरीर है उसका स्वप्न की अवस्था के अनुभव के साथ में पदार्थों के साथ कोई मतलब नहीं है। उस समय में यह समत्र शेषेण विभाति यत्र, स्थूल शरीर चला गया, अकेली बुद्धि बच गई, और बुद्धि के साथ जो जिसको आप जीवात्मा बोलते हो, चैतन्य बोलते हो, वह चैतन्य इस बुद्धि के साथ में उस समय में अकेला रह जाता है। और उस समय क्या होता है, स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जागृत कालीन नाना विध वासना भी। फिर क्या होता है कि यह बुद्धि माइंड इंटेलेक्ट, आप जो भी समझ सकते हो, मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा और मैं ऐसा समझूंगा आप पूरी अंतःकरण को समझ रहे हो। तो आप जो इंटेलेक्ट समझो, माइंड समझो, बुद्धि समझो, वह उस समय में अकेला रहता है। और जागृत कालीन जितने भी आपको संस्कार मिलते हैं, जितने भी आपको इंप्रेशंस मिलते हैं, वे सब कहां से मिलते हैं, जागृत से। वो जागृत आपके इस जीवन का हो या किसके पहले के जीवन का हो, किसी भी लाइफ का हो सकता है। तो आपके जो इंप्रेशंस हैं, जो संस्कार हैं, वो कहां से मिलते हैं, जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में नए संस्कार बनते नहीं, स्वप्न अवस्था में नए संस्कारों का निर्माण नहीं होता है। जो संस्कार जागृत के हैं उन्हीं संस्कारों को मिक्स कर दे करके जागृत कालीन नाना विध वासना भी। तो जब जागृत अवस्था में आप हैं तो बहुत प्रकार की आपकी इच्छाएं हैं, चाह है, क्रोध है, राग है, लोभ है, और आप पूरा नहीं कर सकते, आप दबा देते। तो जागृत अवस्था में जवा सकते कि क्या होश में, जागृत अवस्था में आप होश में हो, आप कंट्रोल कर सकते अपने क्रोध को। इसलिए तो जागृत अवस्था बोली जाती है आपकी साधना के लिए, कि आप जब अपने बॉस के आगे क्रोध दबा सकते हो तो और भी जगह दबा सकते हो। तो जागृत अवस्था में जो अंदर में चीजें पैदा हुई, आपकी डिजायर है, आपकी वांटिंग है, आपके एंगर है, क्रोध है, राग है, लोभ है, काम है, जो आप दबा दिए, क्योंकि आप उसमें कंट्रोलर हो। जब आप स्वप्न में जाते हो, जब आप स्वप्न में जाते हो तो आप कंट्रोल खो देते हो।
आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है। उस समय इस समय की जो दबी हुई चीजें पड़ी थी या और बहुत सी जो इच्छाएं पड़ी थी इस जन्म की पिछले जन्मों की, वो सब ऐसे मिक्स होकर के आपके सामने उपस्थित हो जाती है। उसको लिखा है जागृत कालीन नाना विध वासना जी। तो जागृत की अवस्था में बहुत प्रकार की जो वासनाएं थी, जो इच्छाएं थी, उन इच्छाओं से जो संस्कार पैदा हुए थे, वे सब संस्कार उस समय आप पूरी तरह से सामने आ जाते हैं, क्योंकि उस समय आप कंट्रोल नहीं कर पाते, स्वप्न के ऊपर आपका अधिकार नहीं होता। तो उस समय ना जागृत कालीन नाना विध वासना जी, अनेक प्रकार की जो वासनाएं। अब जो जागृत में पदार्थ है और जो स्वप्न में पदार्थ है, उन स्वप्न के पदार्थों में आप जागृत के तर्क लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, थोड़ा सीरियस है, डीप है। तो हो सकता है आज हम कहां तक जाएं, कोई गारंटी नहीं है मेरी आगे की, लेकिन टॉपिक में क्लियर करके चलूंगा। अच्छा, तो जागृत अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे मेरे पास बुक है, अभी बुक है, लेकिन स्वप्न में क्या हो सकता है कि आपने देखा कि स्वप्न देख रहे सामने कोई हाथी आ रहा, अचानक वो बदल करके आदमी बन जाता, आदमी बदल करके घोड़ा बन जाता है और आप अचानक उड़ने भी लगते हो। और अब मजेदार बात होती, सब होने के बाद आपको कोई आश्चर्य भी नहीं होता कि अचानक सामने में हाथी खड़ा था और इंसान बन गया, आपको कोई आश्चर्य नहीं, कोई सरप्राइज आप नहीं होते हो। कि जागृत में ऐसा यदि हो जाए कि आप रोड में जा रहे हो, सामने में कोई इंसान घूम रहा था, अचानक देखा कि सांप बन गया, जो आपने कहानियों में सुना, सांप कभी इंसान बन गया, एक बात हो जाएगी, यदि संभव हुआ ऐसा तो एक आश्चर्य हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक नहीं कहता है। तो जागृत के पदार्थ उनके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्थिरता ज्यादा है, लेकिन स्वप्न के पदार्थों में स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे आपका माइंड चेंज है, आपका मन चंचल है, ऐसे ही स्वप्न के पदार्थों का निर्माण भी वो इसी स्पीड में करता है, इसी स्पीड में करता है, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, और आपको कोई आश्चर्य नहीं कि आप कभी उड़ने लग गए, आपको कोई आश्चर्य नहीं। आप यदि जागृत में उड़ने लग जाओ अचानक, तो आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। तो जागृत के पदार्थ इसमें क्या हो रहा है, आप ध्यान फर्क इसलिए करना समझना जरूरी है कि जागृत में एक इंडिविजुअल सोल जीवात्मा माइंड बुद्धि अंतःकरण और आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आपके जो कर्मेंद्रियाएं हैं और बाहर के पदार्थ, इतनी सारी चीजें होती है, तब जाकर के एक एक्सपीरियंस होता है, एक खट्टा है, मीठा है, अच्छा है, खराब है, एक अनुभव होता है। उस एक अनुभव को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जीवात्मा अंतःकरण ज्ञानेंद्रिय और बाहर में एक ऑब्जेक्ट एक पदार्थ, ये सब चीजें होती हैं। फिर उसका जो भी है प्रकाश होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, आप सावधान होने चाहिए, इन सब होने के बाद में फिर आपको एक अनुभव होता है, या पेड़ है, पुस्तक है, अच्छा है, खराब। लेकिन स्वप्न में क्या होता है, स्वप्न में लिखा हुआ है जागृत कालीन नाना विध वासनादि कर्त्रादि भावं प्रतिपद्य राजति। स्वप्न में आप
आपकी जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट, जो माइंड है, वह अकेला ही कर्त्रादि भावम का अर्थ होता है वह करने वाला भी बन जाता है, कर्म भी वही बन जाता है, कर्ता भी वही बन जाता है, क्रिया भी वही बन जाता है, सब कुछ वही बनता है। कर्त्रादि भावम प्रतिपद्धि राजते, वह क्या करता है, कर्त्रादि वह करने वाला भी वही होता है। तो जब आप स्वप्न देखते हो और स्वप्न में एक व्यक्ति दौड़ रहा है और दूसरा उसके पीछे पड़ा दौड़ा रहा है, एक डर रहा है, एक डरा रहा है, तो दो तरह के जो लोग वहां पर हैं, एक डर रहा है वो आगे भाग रहा है, एक डरा रहा है वो पीछे दौड़ रहा है मारने के लिए, ये दोनों कौन है? शंकराचार्य जी बोलते कर्त्रादि भावम, वह अकेला ही कर्ता भी बन जाता है, आगे जो डरा हुआ है वो भी वही है और पीछे से दौड़ने वाला जो डरा रहा है वो भी वही है, ये दोनों दो नहीं है। कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य, तो कर्ता भी वही होता है, कर्ता मतलब डूअर, एक्टर, एक्शन भी वही और इंस्ट्रूमेंट भी वही है, डिवाइस भी वही। या बाहर की जगत में इसलिए कंपेयर करना जरूरी आपको है कि यहां पर एक आदमी आगे भाग रहा है, दूसरा उसके पीछे भाग रहा, एक गाड़ी लेके जा रहा है अपनी, दूसरा उसके पीछे अपनी गाड़ी लेके जा रहा है। अब स्वप्न में क्या होता है, आगे जा रहा वह भी वही है, पीछे जो दौड़ रहा वो भी वही है, गाड़ी भी वही है, इंस्ट्रूमेंट भी वही है, प्रकाश भी वही है, अंधेरा भी वही है, तलवार भी वही है, वस्त्र भी वही है। तो कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य, तो वह अकेला ही कर्तादि भाव को कर्ता बन जाता है, भोक्ता बन जाता है, करने वाला कर्म बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। अब सवाल ये है, इस माइंड के अंदर में, इस बुद्धि के अंदर में, अंतःकरण के अंदर में इतनी शक्ति आती कहां से? ये तो जड़ है, ये तो जड़ है। इस जड़ के अंदर में, जड़ समझ रहे, इनर्ट, पावरलेस, जैसे बुक है, इस बुक के अंदर में ज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन बुक को ज्ञान नहीं है। तो अब ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि के अंदर में ज्ञान, इतना सब करने की क्षमता आती कहां से? तो आपको यहां पर दो चीजें समझनी पड़ेंगी। वेदांत का जो सिद्धांत है उसको ठीक से आप यहां समझिए। एक जीवात्मा और एक बुद्धि, धीमा त्रिको उपाधि, स्वप्न की अवस्था में उस आत्मा की उपाधि केवल एकमात्र एक बचती और उसका नाम होता अंतःकरण। उपाधि मतलब सुप्रीम पोजीशन। अब ये मैं आपको दूसरी तरह समझाऊं, लिमिटेशन समझो। तो जागृत की अवस्था में उसके उसात में उपाधि स्थूल शरीर भी है, लेकिन स्वप्न की अवस्था में केवल एकमात्र उपाधि होती है, हर उपाधि होती है बुद्धि माने अंतःकरण, अंतःकरण। तो ये जो अंतःकरण है उस समय में उस जीवात्मा की उपाधि होती है। उपाधि का अर्थ हुआ कि दोनों के अंदर तादात्म्य हो जाता है, तादात्म्य तो आइडेंटिफिकेशन। तो बुद्धि के साथ में अपने को जोड़ लेता है, तो उस जीवात्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मा का ही प्रकाश इस बुद्धि के अंदर में मालूम पड़ने लगता है। करने को
होता सब उस आत्मा की सत्ता के कारण, लेकिन प्रतीत होता है कि बुद्धि कर रही है, बुद्धि को लगता है वो कर रही है, लेकिन वास्तव में कर्ता कौन है? आत्मा। और एक बात समझ लीजिए, क्योंकि आप स्पष्ट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा। आप दो बातें समझिए यहां पर इस चीज को समझने के लिए। वेदांत में एक होता है विवर्तवाद, जो वेदांत का सिद्धांत है विवर्तवाद। विवर्तवाद का अर्थ होता है कि कहीं पर कुछ हुआ नहीं लेकिन दिखाई पड़ा, कुछ हुआ नहीं, बना नहीं, बिगड़ा नहीं, लेकिन सब दिखाई पड़ा। जैसे आपको मिराज का दृष्टांत दिया, मृग मरीची का, कि रेती में आपको पानी दिखाई पड़ा, तो पानी दिखाई पड़ने से, दिखाई पड़ा पानी, आपको प्यास हुई, आप दौड़े भी सही, लेकिन उस मिराज के कारण ना तो वहां पर कुछ गीला हुआ, तो दिखाई पड़ा, हुआ नहीं कुछ। ये वेदांत का ऐसा सिद्धांत है, इसको बोलते विवर्त। रस्सी में सांप दिखाई पड़ा, उससे रस्सी में के अंदर कोई जहर नहीं आया, रस्सी सांप बनी नहीं थी, दिखाई पड़ी, इसको बोलते विवर्त। दूसरा आप मतलब समझे साथ में, परिणाम, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या होता है? जैसे दूध है, आप उसको बदल के दही बना देते, तो उस दूध के अंदर में परिवर्तन हुए। अब दही होने के बाद दही की क्वालिटी दूध की क्वालिटी से अलग हो गई, दूध में परिवर्तन आ गया। फिर दही को आप कुछ और बना दिया, उसको कुछ, इसको बोलते हैं परिवर्तन, परिणाम। तो ये जो परिणाम होता है वो होता किसी चीज पर। तो ध्यान रहे इस स्वप्न को समझने के लिए, उस जीवात्मा के ऊपर में आपको समझना पड़ेगा विवर्तवाद। ये कुछ होता नहीं है, होता नहीं है, दिखता है, और बुद्धि के अंदर होता है। तो बुद्धि के अंदर परिणाम होते रहते, बुद्धि कभी बदल के ऐसी बन जाती, कभी वैसे बन जाती, कभी ये रूप लेती, कभी वो बन जाती, कभी मनुष्य बन जाए, कभी शत्रु बन जाए, कभी मित्र बन जाए। एक नया संसार, एक नई दुनिया, और उसको लगता है कि वह जीवात्मा को अपना खेल दिखा रही है। धीमा त्रिको उपाधि रशेष साक्षी, बहुत अच्छा यहां शब्दों का प्रयोग किया, कि परमात्मा अशेष साक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मालूम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमात्मा को मालूम नहीं, अशेष, एवरीथिंग ही नोस, अशेष सच। अब वो अशेष साक्षी जीवात्मा है, परमात्मा है, उस परमात्मा को ये बुद्धि उसी से शक्ति लेकर के और उसी को अनेक प्रकार के जो खेल दिखाती है, अनेक प्रकार के रूप लेती है, अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करती है, ऐसा लगता है वो जीवात्मा को दिखा रही है अपनी शक्ति, अपना पावर, कि वो भी जगत का निर्माण कर सकती है, कि बुद्धि भी जगत का निर्माण कर सकती है, और इतनी विचित्रता है, इतनी विविधता उसके अंदर में पैदा कर देती संसार के अंदर, कि जीवात्मा को लगे इसका संसार भी हमसे कोई कम नहीं। तो जागृतकालीन अनेक प्रकार के संस्कारों को यहां से लेकर के बुद्धि, जन्म जन्मों के संस्कारों को लेकर के, और परमात्मा की शक्ति लेकर के, ईश्वर की शक्ति लेकर के, जीवात्मा की शक्ति लेकर के, बुद्धि को अपना चैतन्य, बुद्धि को लगता है चैतन्य, और उस संसार का निर्माण करते, उस संसार का नाम स्वप्न। तो स्वप्नकालीन जो पदार्थ है
उस स्वप्नकालीन पदार्थ कौन बनाता है? उसमें स्थूल शरीर तो है नहीं, ये आंखें नहीं है कलर देखने के लिए, आंखें बंद, ये पांव नहीं है चलने के लिए, पांव तो बिस्तरे में पड़े हुए, लेकिन आप दौड़ रहे, एक कान सोए पड़े हैं लेकिन आप सुनते हो, हाथ बंधे पड़े हैं आप वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हो। तो स्वप्न के अंदर में जो इंद्रियां हैं स्वप्न का काम करने के लिए, वो ये इंद्रियां नहीं है, बुद्धि उनका खुद निर्माण करती है। स्वप्न के अंदर जो पदार्थ है उन पदार्थों का निर्माण बुद्धि खुद करती है, समत्व शेषेण विभाति, कोई नहीं वहां पर। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जब स्वप्न में आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, स्वप्न में आपको अनुभव हो रहा है, तो जैसे जागृत अनुभव करने के लिए आपके पास में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिवाइस होते हैं, उपकरण होते हैं, ऐसे ही जागृत में जब आपको अनुभव करना है तो अशेष साक्षी जो परमात्मा सीधे अनुभव नहीं करेगा, सीधे अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि जो सर्वदृष्टा होता है, सब देखने वाला होता है, वो अलग से चीजें नहीं देखता, मेरा स्वप्न मैं देखता हूं, आपका स्वप्न आप देखते हो, मेरा स्वप्न कि जो मेरे पदार्थ है मैं देखता हूं, मेरे साथ में कोई दूसरा व्यक्ति उसका स्वप्न कुछ और चल रहा होगा, तो हर व्यक्ति का स्वप्न अपना अलग है। तो ये जो स्वप्न अलग है ये अशेष साक्षी का स्वरूप नहीं है, अशेष साक्षी सबको एक साथ देखता है, ये बुद्धि के द्वारा, वो जो जीवात्मा है वो जब बुद्धि के द्वारा देखा करता है, बुद्धि के द्वारा देखा करता है, उस समय उसका नाम हो जाता है स्वप्न की अवस्था। ऐसे समझो कि स्वप्न की अवस्था का मतलब है जहां जीवात्मा को अनुभव करने के लिए बुद्धि को उपयोग करना पड़े, अंतःकरण का उपयोग करना पड़े। तो जहां अंतःकरण का उपयोग करता है जीवात्मा, बुद्धि का उपयोग करता जीवात्मा, तो उस समय बोलते हैं कि यह स्वप्न चल रहा है। धीमा त्रिकोपाद अशेष साक्षी, तो ये जो स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा है उसी की ज्योति बुद्धि लेती है, और बुद्धि उसकी ज्योति, ज्योति माने प्रकाश ताकत, उसको लेकर के अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करती है। तो स्वप्न में जो पदार्थों का अनुभव होता है, आपको एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को करने के लिए आपके पास में कोई साधन होना चाहिए। लॉजिक ये सूक्ष्म शरीर है उसका लॉजिक ये है कि जब आप स्वप्न के पदार्थों को देखते हैं तो स्वप्न के पदार्थों को देखने के लिए आपके पास कोई मीडियम होना चाहिए, कोई साधन होना चाहिए, उस साधन का नाम ही सूक्ष्म शरीर। बिना सूक्ष्म शरीर के देखना संभव नहीं, ये सूक्ष्म शरीर का सबूत है। आपको सूक्ष्म शरीर को समझना है तो आपको स्वप्न के पदार्थों को ठीक से समझना पड़ेगा। न लिप्यते तत्कृत कर्म लेशै यस्मात् असंगस् तदेव कर्मभि। अब बुद्धि बहुत तरह के कर्मों को वहां करती है, बहुत प्रकार के अपने सब एक्टिविटी बुद्धि करती है, जो भी दिखा सकती है, नया निर्माण करती है, लेकिन वो जो जीवात्मा है असंग, असंग अटैच नहीं होता, दृष्टा है, देखता सब है, लेकिन उसका पार्ट नहीं है। असंग का अर्थ है कि आप देख तो रहे हैं लेकिन आप उसके हिस्से नहीं। तो जब बुद्धि बहुत प्रकार के खेल खेलती है, स्वप्न दिखाती है, उस समय में जो आत्मा है वह सब देख करके असंगा, उसका पार्ट नहीं है, उसमें भाग नहीं लेता, उससे अलग। एवं कर्म भी न लिप्यते किंचित उपाधि न कृता।
तो उपाधि उस समय में उस जीवात्मा की उपाधि क्या है? बुद्धि। उपाधि मतलब साधन, लिमिटेशन, सुप्रीम पोजिशन। उस समय में एकमात्र उसकी उपाधि है जीवात्मा की बुद्धि। अब ये बुद्धि के द्वारा वह उन समस्त पदार्थों का एक्सपीरियंस तो करता, उन कर्मों को भी कर देखता, लेकिन उन कर्मों के साथ में लिप्त नहीं होता है, उसका हिस्सा नहीं बनता, न लिप्यते, उसमें वो जुड़ता नहीं है, बस उसकी प्रेरणा से, उसके प्रकाश से बुद्धि अनेक प्रकार के काम करती है और उनको लेकर के ये सब खेल चलता है, जीवात्मा देखता रहता है। लेकिन उपाधि के द्वारा किए गए कर्मों से वो बिल्कुल भी अपने को अलग रखता है। आगे का मंत्र देखिए, सर्व व्यावृत्तिकरणम लिंगम इदम स्याच्चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकम् इव तत्क्षणैस्तेन एव आत्मा भवति असंगो अयम्। अर्थ देखिए, यह लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। इस प्रकार बढ़ई का वसूला होता है, इसलिए आत्मा असंग। असंग कैसे? आपने सुना या उस मंत्र में लिखा तस्माद असंगः, यह असंग है। स्वप्न के पदार्थों को देखता है, स्वप्न में दौड़ता है, भागता है, रोता है, हंसता है, सब कुछ होता है, फिर भी असंग कैसे? तो दृष्टांत दे के समझा रहे इस बात को, असंग कैसे है। तो एक एग्जांपल दिया, जैसे कोई कारपेंटर, कारपेंटर जब भी कोई अपना काम करेगा उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट को, उसके औजार को चला करके वह निर्माण करता है। उसको आपने बोला, ऑर्डर दिया, फर्नीचर बना। अब फर्नीचर बनाने के लिए वह समस्त चीजों को हाथ से तो बना नहीं देगा, मंत्र पढ़ के तो बनाएगा नहीं, उसको उसके लिए चाहिए उसके जो इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, हथियार है, वो सब चाहिए होते हैं, और उनके द्वारा वह फिर निर्माण करता है। इसी तरह से सर्व व्यावृत्तिकरणम लिंगम इदम च चिदात्मना पुंसः। तो जैसे उस कारपेंटर के लिए, बढ़ई के लिए उसके जो हथियार है, जो औजार है, वो काम करने का साधन, उसके बिना वो नहीं कर सकता, चाहिए साधन, और साधन भी अपने आप नहीं कर सकते क्योंकि साधन जड़ होते हैं। कोई कितना भी अच्छा डिवाइस हो, कितना अच्छा भी आप प्लेन डेवलप करें, कितना भी एडवांस करें, कंप्यूटर करें, कितना भी एडवांस करें, अपने आप तो ऑपरेट नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसके पीछे कहीं ना कहीं बैठ के चेतन होना चाहिए। हो सकता है आपने एक को ऑटोमेटिक सिस्टम में डाल दिया हो, उसको ऑपरेट दूसरा कोई ऑटोमेटिक वाला कर रहा हो, उसको ऑपरेट कोई और तीसरा ऑटोमेटिक वाला कर रहा हो, लेकिन फाइनली एक ऐसी जगह होगी जहां पर एक कोई चेतन था, उस चैतन्य ने उसको ऑपरेट को ऑटोमेटिक मोड में डाला। तो कहीं तो चाहिए, बेस तो वही होगा। तो कोई भी डिवाइस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने आप काम नहीं कर सकता, उसको ऑपरेट करने वाला चैतन्य ही होना चाहिए, जड़ अपने आप काम नहीं कर सकता। सर्व व्यावृत्तिकरणम लिंगम इदम, ये जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, यह स्वप्न की अवस्था में इस चिदात्मा के लिए समस्त व्यवहारों का कारण है। जितने भी व्यवहार किए जाएंगे, समस्त व्यवहारों का कारण चिदात्मा के लिए यह लिंग शरीर है। बाह्याधिकमिव, जैसे उसके औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बढ़ई वसूले आदि। तो जैसे कोई कारपेंटर अपने औजार लेके, अपने हथियार लेकर के कोई काम करता है,
वैसे ही स्वप्न की अवस्था में यह जीवात्मा पुंसा चिदात्मा चैतन्य स्वरूप आत्मा पुरुष चैतन्य स्वरूप ब्रह्म कॉन्शियसनेस जो भी नाम दो वही क्या करता है, जितने भी व्यवहार करता सर्व व्यावृत्तिकरण, जितने भी व्यवहार स्वप्न में होते जितने भी होते हैं उन सब के लिए कारण क्या, इदम लिंग देह। ये जो लिंग शरीर है, ये लिंग शरीर उन समस्त कामों के प्रति इसका कारण है, ये उनका माध्यम है, ये डिवाइस है। इसके इसको लेने के बाद ही वह सबको करता है। तेन आत्मा भवति असंगोयम। तो जैसे एग्जाम्पल आपको बताया कारपेंटर का, कारपेंटर अपना काम करता अपने औजार से, लेकिन कारपेंटर अलग होता, उसके इंस्ट्रूमेंट अलग होते, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं हो जाता हो, उसको बहुत प्रिय होंगे, उसकी जीविका चलती है, उससे बहुत संभालेगा, कुछ भी करे बहुत अटैचमेंट होगा, सब ठीक। किसी भी हालत में वो कारपेंटर कभी इंस्ट्रूमेंट नहीं हो जाता है, और इंस्ट्रूमेंट कभी कारपेंटर नहीं बन जाता। ऐसे ही भवति असंगो आत्मा, ये आत्मा बुद्धि के साथ तादात्म्य आइडेंटिफाइड है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप समझ लें कि वो उसके साथ में एक रूप हो गया। स्वप्न की कुछ भी क्रियाएं चले, कुछ भी ज्ञान हो, कुछ भी एक्सपीरियंस हो, ये जीवात्मा उससे हमेशा असंग रहता है, क्योंकि ये जीवात्मा का माध्यम है। लिंग देह जीवात्मा को स्वप्न काल में अनुभव करने के लिए उसका माध्यम है, मीडियम है, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ एक नहीं हो सकता है, वह हमेशा असंग रहता है उसके साथ। अब अगला मंत्र भी देखिए। अंधत्व मंदत्व पटत्व धर्मा सौगुण्य वैगुण्य वशाद्धि चक्षुषः बाधिर्य मुखत्व मुखास्तथैव श्रोत्रादि धर्मा न तु वेत्तु रात्मनः। अर्थ देखिए। नेत्रों के दोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट न देखना आदि नेत्रों के ही धर्म, इसी प्रकार बहरापन गूंगापन आदि जो भी श्रोत्रादि के धर्म है सर्व साक्षी आत्मा के नहीं। अब प्रश्न होता है यहाँ पर कि आत्मा असंग है, आत्मा असंग है, जुड़ा नहीं, फिर ये संसार में अनुभव क्यों होता है कि मैं अंधा हूं, ये अनुभव क्यों होता है? मैं बहरा हूं, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं, मेरी आई साइट वीक है। तो यदि वह जुड़ा नहीं है, असंग है, तब ऐसा अनुभव क्यों होता, नहीं होना चाहिए अनुभव, होना चाहिए मेरी आंखें कमजोर है, ठीक बात है, लेकिन ऐसा भी तो होता मैं देखने पर मैं देखता हूं, मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो ये अनुभव बताते हैं कि जीवात्मा जुड़ा हुआ। उसका उत्तर इस मंत्र में दिया है, अंधत्व मंदत्व पटत्व धर्म। कि कई बार आंखों में अंधापन आ गया, कई बार ठीक भी है, कई बार कम दिखता है, सौगुण्य वैगुण्य ऐसी प्रकार आंखों में रोशनी तेज है, आंखों में रोशनी कभी ज्यादा है, ऐसे ही कान के साथ होता है, कभी आप ज्यादा सुनते थे कभी कम सुनने लग गए। तो इंद्रियां धीरे 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 कमजोर होती रहती, सर्व इंद्रियाणाम जरयंती तेजा। जो इंद्रिया पहले बहुत सशक्त थी, बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे वो कमजोर होने लगे। कोई भाई बर्थ ब्लाइंड होता है, कभी देखा ही नहीं उसने कुछ, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति इस जन्म में अंधा है हमेशा अंधा था। तो वो जो इस जन्म में अंधा है, इस जन्म में बहरा है, इस जन्म में गूंगा है, तो जैसे आप देखते हैं कि जब आप बचपन में थे आपकी जो इंद्रियां थी बहुत सशक्त थी,
बहुत अच्छी थी। धीरे 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 उनमें कमजोरी आने लगी। तो पहले इंद्रियों के अंदर में, और कई बार तो धीरे 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 आदमी ब्लाइंड हो जाता, पहले देख सकता था, आंखें अच्छी थी, कमजोर भी और बहुत वीक हो गए, अंधे हो गए। तो ये जो अंधापन हुआ या आंखें बहुत अच्छी थी, ये दोष किस में है? बोले जीवात्मा में नहीं है, ये दोष उस इंद्रिय में। और आप इंद्रिय कार्य समझ लीजिए, श्रोत्राय धर्मा न तु बेतुरात्मना। जब ये कहा जाए कि अंधा हुआ कोई व्यक्ति, तो अंधा होने का अर्थ उसकी इंद्रिय खराब हो गई, आंखें खराब हो गई। तो आंखें खराब होने का अर्थ है जो आंख जिसमें आप रहती है उसकी बात कर रहे हैं। कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करके कुछ चीजें हटा देता है, अब आप देखने लग गए, कुछ चीजें आपकी आंखें आगे आ गई थी, ऑपरेशन किया, दिखने लग गए। कई बार किसी को आंख डोनेट कर दी और उसको बदल दिया, देखने लग गया आदमी। तो जो देखने की क्षमता है, जो श्रोत्र इंद्रिय है वो सूक्ष्म, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो श्रोत्र जो इंद्रिय है उसमें इफिशंसी नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं, वो ठीक है। लेकिन जहां पर वो बैठी हुई है, जहां पर बैठ कर उसको देखना था, वो जगह ठीक है, अगले जन्म में अगली जगह ठीक मिल सकती, फिर देखेगी। किसी जन्म में भाई बर्थ ब्लाइंड पैदा हो सकता है। तो जब ये कहा जा रहा है कि अंधत्व मंदत्व पटत्व धर्मा सगुण्य वैगुण्य वशाद्य चक्षुषा, आंख में जो दोष है, आंख में जो अच्छाइयां हैं, कान में जो दोष है, कान में जो अच्छाइयां हैं, वो आत्मा के ऊपर नहीं, न तो वे तुरंत आत्मना, ये सब आत्मा के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। तो जब मैं अंधा हूं ऐसा कहा जाता है, ये तो हम लोग पहले विचार कर चुके कि मैं अंधा हूं ऐसा जो अनुभव है वो ना समझी से अविवेक पूर्ण है। ये ठीक है, मेरी आंखें सही नहीं है, मेरी आंखें ठीक है, मैं आंखों से ठीक देख सकता हूं, मैं कानों से ठीक सुन सकता हूं। ये जो मिक्सअप हो गया है, उस मिक्सअप को ठीक से समझ लेना। जब कितना भी कोई इस बात को बोले मैं अंधा हूं, ऐसा कहने से आत्मा के अंदर अंधापन मालूम पड़ा, शंकराचार्य जी बोलते नहीं, अंधा होना, आंखें ठीक होना, ज्यादा देखना कम देखना, कान का ठीक होना खराब होना, और भी कोई इंद्रिय, जो ये सब के सब धर्म किसके हैं? इंद्रियों के। न तो वेत्तुरात्मन, वेत्तु मतलब ज्ञान, जिसको सब मालूम है, ज्ञाता नोअर, उस जानने वाले को इसके कोई मतलब नहीं है, उसके धर्म नहीं है, उसके डिवाइस में डिफेक्ट है। जैसे कोई कारपेंटर बहुत अच्छा कारपेंटर है, एबल है सब कुछ करने के लिए, एबिलिटी उसके अंदर है, लेकिन आज काम नहीं कर सकता, बोले कि मेरे डिवाइस औजार खराब हो गए, मैं नहीं कर सकता, डिवाइस नहीं, आंखें खराब हो गई, मैं नहीं पढ़ सकता, चश्मा नहीं है, पढ़ने की क्षमता है, जैसे चश्मा आएगा आप देखने लगे। ऐसे ही और यदि आप अंदर जाएंगे तो देख सकता हूं लेकिन आंखें ठीक नहीं। वो जो वेत्ता है, उस वेत्ता को चाहिए क्या होता है? उपकरण। तो उपकरण के अंदर में कभी खराबी होती है, उपकरण कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है, कभी वीक होता है, कभी अच्छा होता है। तो ये सब के सब दोष उसके उपकरण में है, उसके साधन में है, उसमें नहीं। श्रोत्राय धर्मा न तु वेत्तुरात्मना, वेत्तु मतलब जानने वाला, जो ज्ञाता आत्मा है उसके अंदर ऐसा कोई दोष नहीं है, अंधा होना या नहीं होना ये डिवाइस का काम है, मीडियम का काम है, उसका काम नहीं है। तो
इस तरह से सूक्ष्म शरीर के ऊपर में यहाँ पर विचार किया गया और सूक्ष्म शरीर स्वप्न का जो कॉम्बिनेशन है वेदांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। आज हम लोग यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही।